सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह के बज गए हैं 8:15, तो आज सुबह सुबह लग गई है बारिश। और जैसे ही बारिश लगी ना, तो हमारी टेंशन बढ़ गई, क्योंकि वहाँ पे देखिए ये जो चादरें दिखाई दे रही है ना, तो इनको हमने उतार लिया था अपनी गैलरी पर से, क्योंकि यहाँ पे हो रही थी चिनाई। तो अभी हमने ना फिर से ये चादरें जो है जल्दी से अपनी गैलरी पे रख ली है। कितनी भी बारिश हो जाए तो अब पानी जो है अंदर कम ही जाएगा, जाएगा तो, पर उतना नहीं जाएगा। और उस तरफ को देखिए हमारा रसोई घर जो है बनने ही वाला है, अभी लगभग देखते हैं कितना टाइम और लगता है। और हमारे मिस्त्री का तो आज पक्का नहीं है कि आएंगे या नहीं, क्योंकि मिस्त्री हमारे थोड़ा दूर से आते हैं। तो बारिश लग गई थी सुबह 7:15, अभी तो 8:15 हो गए हैं, तो अभी तो थोड़ी देर के लिए बारिश जो है ना वो रुक भी गई है, हो सकता है आ भी सकते हैं मिस्त्री। और ये जो घर के काम होते हैं ना, तो ये काम भी ख़त्म नहीं होते हैं, और सामान भी इतना लगता है ना कि कितना भी ले आओ उतना कम ही पड़ता है। तो हमारे भी मुझे डर लग रहा है कि कहीं पर हमारा रेता जो है ना वो कम ना पड़ जाए। चिनाई के लिए तो काफ़ी हो जाएगा, 2 गाड़ी रेत की मंगाई थी मैंने, और 1 गाड़ी मैंने बजरी की मंगाई थी। तो वो मैंने इसलिए मंगाई थी कि साथ में मुझे नीचे हमारा आंगन है ना, वहाँ पे है नीचे हमारा आंगन, तो ये आंगन भी मुझे पक्का करवाना था। तो पर हमारा रेत ख़त्म हो रहा है ना, आंगन को शायद कम ही बचेगा, तो इसलिए मेरी थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई है कि आंगन मेरा कैसे होगा कंप्लीट। और सीमेंट तो हमारा काफ़ी है, सीमेंट तो कम नहीं होगा। और आजकल बरसात में क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे लिंक होते हैं ना, तो इनमें गाड़ियाँ नहीं आती हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। वैसे हमने तो सोचा नहीं था कि कम हो जाएगा, अपना अंदाज़ा जो था ना वो हमने पूरा ही लगाया हुआ था कि चिनाई को लग जाएगी हमारी 1 गाड़ी रेत की, और 1 गाड़ी रेत की जो है वो मेरे आंगन को हो जाएगी। तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि मेरा काम जो है पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे कंप्लीट तो करना ही है अभी भी, पर थोड़ी सी टेंशन ये हो गई है कि अगर रेत ख़त्म हो गया तो अब मैं रेत कैसे मंगवाऊँगी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है अब तो मुझे। और मैं जब भी यहाँ ऊपर आती हूँ ना, अपने इस रसोई घर को देखती हूँ ना, तो बहुत खुशी होती है मुझे, क्योंकि कई वर्षों से मेरा सपना था कि कब हमारा रसोई घर बनेगा। तो अभी सपना मेरा पूरा तो हुआ नहीं है, पर अब हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। तो सच में होती है बहुत खुशी यहाँ पे मुझे अपने इस घर को देख करके, चाहे मेरे मन में भले ही कितना भी दर्द क्यों ना हो, फिर भी बहुत खुशी होती है यहाँ पे आकर के। और ये जो मेरा सपना अभी पूरा हो रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बड़े बेटे की वजह से हो रहा है। अगर मेरे बड़े बेटे की जॉब टाइम पर नहीं लगती ना, तो शायद आज तक हमारा ये सपना पूरा नहीं हो पाता। तो मेरा बड़ा बेटा जो है ना हितेश, तो कंडक्टर है वो HRTC में, और वो शिमला में रहता है, और 4 साल हो गए हैं उसको जॉब करते हुए, अभी तो वो रेगुलर भी हो गया है। और 20 साल की लग गई थी उसकी जॉब, अभी हुआ है वो 24 साल का पूरा, 25 में गया है अभी। तो भगवान मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना, और भगवान का मुझे इतना साथ मिला है ना, इतना सपोर्ट मिला है, जो मेरे बेटे की जॉब लगी है ना उसमें भी भगवान का मुझे बहुत साथ मिला है, बहुत हाथ था मेरे ईश्वर का। वैसे इंसानों का इतना साथ नहीं मिलता है, इंसान तो कभी भी छोड़ देते हैं, कहीं भी छोड़ देते हैं। वैसे ज़्यादातर जब गरीबी होती है ना, तब कोई भी किसी का साथ नहीं देता है, ये गरीबी इतनी बुरी चीज़ होती है ना, इंसान जो है ना उतनी नफरत गरीबी से नहीं करते हैं जितनी कि गरीब से करते हैं। लगता है सबको कि अगर इनकी कुछ हेल्प करेंगे तो पता नहीं ये लौट आ पाएंगे या नहीं, ऐसा सोचते हैं सभी लोग। तो इसलिए मैं तो यही कहती हूँ सबसे कि गरीबी से नफरत करिए, लेकिन गरीब से नफरत मत करिए। कोई गरीब है तो उसका सपोर्ट कीजिए, उसको हिम्मत दीजिए, सहारा दीजिए। अगर आप कोई पैसे का सपोर्ट ना कर पाए, कुछ भी ना कर पाए, तो कम से कम आप किसी को इतनी हिम्मत तो दीजिए कि हाँ हो जाएगा करिए। आप इतना तो हौसला किसी को दे ही सकते हैं कि किसी की गरीबी का इतना फ़ायदा तो उठाइए कि अगर कोई गरीब है तो उसको और नीचे मत दबाइए। और अब ये जो बारिश हुई है ना, तो इस बारिश से यहाँ पे कमरे में पानी भर गया है, यहाँ पे हो गया इकट्ठा। और इस वाले कमरे में तो पानी ठहरता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए दीवारें लगी हुई है ना, तो पानी को बाहर जाने को रास्ता नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया एक कोने में। और यहाँ से तो बाहर जाने को रास्ता थोड़ा था पानी को, लेकिन यहाँ पे ना सीमेंट लगा होगा तब यहाँ से पानी बाहर नहीं जा रहा है, झाड़ू से बाहर निकाल लूँगी। नहीं तो फिर क्या होगा ना कि ये मतलब स्लैब जो है ना, तो ये पानी को अंदर सोख लेगा, तो फिर सीलन तो वैसे आ ही गई है, वैसे ही अब तो कितनी सीलन आएगी, अब तो कुछ दिनों की बात है। तो करते हैं थोड़ा सा और इंतज़ार, जब तक छत नहीं डलेगी हमारी ना, तब तक यह सीलन का डर अब तो नहीं है, अब तो हौसला हो गया है हमें कि चलिए बन ही जाएगा हमारा घर। ये आओ भित्र पड़िए भित्र, ये मजे मजे आ जाओ। शाबाश, चढ़ी गए पाड़ा। और ये हमारे गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, 100 साल उम्र है इनकी। तो ये देखिए इनसे ना सीढ़ियों में चढ़ने को दिक्कत होती है। घर देखा क्या लग रहा मेरा घर बनता, देखा इत कबला
केड़ा बना कर रहत कावा या इर सोए इनको ना कान में कम सुनाई देता है तो इनसे जोर जोर से बात करनी होती है। और यहाँ हमारे गांव के हैं हमारे ससुर जी तो सबसे बड़े हैं उम्र के ये पारी थी चुल्ला ये थीनी सड़का में जलाना सड़का जलाना तब पता चलिया कि सड़का में जाते बे हाँ सड़का जलाना मत दिया इत खा दे खाए खा हॉल जे ला रहा बनाना ये हॉल खुल ला दे ये लाया हॉल जे बनाना हाँ केड़ा बढ़िया आया हाँ तू सरिया समझा बे ठीक है बढ़िया हाँ पायेंगे स्लैब ना स्लैब नहीं पाना स्लैब चूड़ा है अभी चूड़ा लगी रहा चदरा पानी चदरा ये चूड़ा है फिर स्लैब हाँ चदरा पानी इतने भी वही थी पर तिको पानी है थी जे चदरा थरी है थी तिको आप दापर खोर ही जाना जे पर लर ही जाना तो आज मौसम ने बहुत परेशान किया हमें क्योंकि सुबह हुई बारिश बहुत तेज और थोड़ी देर के लिए बारिश फिर से रुक गई तो जब रुकी तो हमारे मिस्त्री आ गए थे यहाँ पे काम पे और यहाँ पे हमारे मिस्त्रियों ने काम भी किया हुआ है वहाँ पे की चिनाई और जैसे ही ना मतलब खाना वगैरह खाया उसके बाद फिर से लग गई बारिश पर बारिश भी आज ऐसी कम बारिश नहीं हुई है आज हुई है इतनी मूसलाधार बारिश ना कि पूछो ही मत हम तो डर गए और कई बार तो ऐसे लगा कि आसमानी बिजली गिर गई यहाँ पे सच्ची में इतना डर लगा हमें तो कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। और वहाँ पे देखिए आज हमारे जो तिरपाल है ना ये इस दीवार पे रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे आज चिनाई की है तो ये ताजी ताजी थी तो इसने इसको वहाँ पे ढक लिया था मैंने तो सोचा कि इसको हवा उड़ा लेगी पर ये रह गया वहाँ पे। और यहाँ पे नीचे स्लैब पे तो देखिए आज हमारे ना पानी ही पानी भर गया है क्योंकि चिराले जो कमरा बना हुआ है इसमें भी खूब सारा पानी भरा हुआ होगा और हमारा मसाला भी यहाँ पे रह गया जो हमने मिक्स किया हुआ था थोड़ा सा उसको भी हमने यहीं पे ढक लिया थोड़ा सा तो यहाँ से पानी से बहकर वो नीचे चला गया क्योंकि इतनी तेज बारिश जो हुई है आज तो थोड़ा सा काम खराब कर दिया आज इस बारिश ने। अगर थोड़ी देर और रुक जाती ना तो अच्छा भला चल रहा था हमारा काम। पर चलिए अब भगवान की मर्जी के आगे हमारी कहाँ चलने वाली पर भगवान जी आज पहली बार की है आपने ऐसा की हमारे काम पे बारिश हुई है। वैसे आज दिन तक जब से हमारा काम लगा हुआ है ना तो इतनी तेज बारिश नहीं हुई थी तो ऐसे हमारा काम रुका नहीं आज हमारा काम जो है रुक गया था दिन में। और अभी भी हल्की हल्की बारिश लगी हुई है पर मैंने सोचा चलो आपको दिखा लेते हैं थोड़ा सा कि आज यहाँ पे हमने ऐसा काम किया हुआ है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और आज की इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।